दिल्ली में जो किसान बड़े बैठे थे किसान नहीं थे, लुटे रहे थे भाई। कपूरवाल मिक्स है और पक्का जीतेगा लठ वर्गा कोई हरियाणा को। सीएम बनना चाहिए नायब सिंह सैनी और बुआनी खेड़ा का मंत्री बनना चाहिए कपूर बाल्मीकि। तो राहुल तो राहुल ने भाई शादी करवा ला कहते अगली पीढ़ी खत्म हो जाता रही। एक और आया था रो तेरे गम में, वो तेरा हल्का में नरवाल है। अरे नरवाल का क्यों उठा है? राम राम बाबा। राम राम भाई, ठीक सके? हाँ भाई बढ़िया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ईव लग चल रहा था चुनाव और हाँ? वो हो गया खत्म है। अच्छा जी। हाँ तो मुदा के जुगाड़ लगा था ना भाई? हमने तो बीजेपी का लगा भारत में, पूरा हरियाणा में। पूरा हरियाणा में हम देखना भी था बीजेपी ने। हाँ? मोदी जी ने भी देश के लिए बढ़िया काम करे है, रक्षा करी, फौज वाले की भी सेवा करी है। हाँ? और करता रहेगा। हम तो नहीं जाना हाँ कि मोदी जी जीवित रहे इतना उसका उसको अमर कहेंगे। अच्छा, वो अमर रहे। एक और आया था रो तेरे गम में, वो तेरा हल्का में नरवाल है। अरे नरवाल का क्यों उठा है? नरवाल तो भाई आतुरस है, तड़का पाओगा वो प्रियंका है ना भाई, वो प्रियंका दौड़ पाओगा उसका के भाई। हमने तो डे रहना वो हमने नरवाली नरूली पावे को नहीं तरी। अच्छा, तो मोदी मोदी के गुणगान लग रहा है, राहुल गांधी रहे यार अपना। ओ राहुल गांधी अमरीका में भी गया था भाई, उधर जाके मारी काट कर मोदी जी की काट कर। कभी भी मोदी जी बोलता थे क्या तो बताओ? वो तो विपक्ष के नेता हो गए ना। नेता तो हो गए, उधर जाके देश में रो इधर अपने देश में रो ना। मोदी जी कभी भी कितने बार देश में जा रोज यार। राहुल ही तो काल हो ही जाए। और मैं तो नु कहूँ राहुल ने भाई शादी करवा ला कहते अगली पीढ़ी खत्म हो जाता रही। अगली पीढ़ी खत्म ना करे तू 55 साल 56 साल का तो हो गया तो शादी कर रखो किसी का बेरा कौन किसी ने प्रूफ भी नहीं है उनके पास। और भाई हम तो बहुत अच्छे 10 साल हो गए, न तो हमारे रोड रुके, न हमारा रास्ता रुक क्या न। और भाई आड़ा उड़ा जाता तो वो काम था छोटे छोटे दरखत काट दिए तो रोड रोक देंगे। और भाई हमने दिक्कत होती और जो तो बैठे थे ना धरने पर हमारे बल्ली सरपंच पर घेर और पूरा दर जाके भाई उड़े कूड़े काजू बादाम खाए थे केजरीवाल के राहुल के। दिल्ली में जो बैठे हाँ दिल्ली में जो किसान बड़े बैठे थे किसान नहीं थे, लुटे रहे थे। क्यों? पहले एक यशपाल मलिक आया था यूपी से चल के, उसने बकाए जमींदार वो खत्म हो लिया। इन्हें कुछ दिन में राकेश से डकेत से डकेत से यो खत्म हो जाएगा। इनका टंत ये चौधरी और चौधरी भैया का हम तो राजपूत का नाते था वहाँ। मोदी जी है हमारे बहुत बड़ी आदमी है देश के लिए भाई, हथियार तो पाती तो पहले विदेश से खरीदा करते उनमें ये खा जाते भाई। राजू और बरगे वो फोर्स तो खरीदी तो राहुल राजू खा गया उनने। और भाई ये तो जमीन आज चीन चीन कर रहे नहीं है कांग्रेस वाले चीन ने जमीन दबाली ना। ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी और इंदिरा गांधी इनकी दादी थी, वह के थी के नहीं थी। जाती जनगणना पर सनातन पर जो भी करा ने कांग्रेस कर रही है, सबसे ज्यादा खराब कांग्रेस कर रहा है। अच्छा, ये बापा बुआनी खेड़ा की बात करा। हाँ ठीक है, बुआनी खेड़ा में कौन जीतने लग रहा है भाई? राजपूता का वोट आ रहा कम से कम 27-28 हजार, इसके हिसाब से राजपूत 32 लगा लो। हाँ। भाई मैं थोड़ा बड़ेरी उम्र में हो गया इसलिए हमने पता को ना 32 हजार वोट है। हाँ 32 हो गए होंगे। हमारे टाइम में भाई 2009 में ये आकर दी इतनी जनसंख्या तो बहुत बच गई। हमने तो ज्यादा बेरा को नहीं हम तो यह जाना भाई हमारी जनसंख्या बढ़ रहा है। अच्छा जनर बन बदे अच्छे हो। अच्छा और घटती में क्या है? लेकिन हम तो नू को वहाँ भाई हम तो नू जाना भाई हमारे सीएम बनना चाहिए नायब सिंह सैनी और बुआनी खेड़ा का मंत्री बनना चाहिए कपूर बाल्मीकि। हम तो मोदी जी भी कहो हाँ और नहीं भी कहो हाँ, यो मंत्री बनाना चाहिए, सिंचाई मंत्री बनाना चाहिए न कि जाट। ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गलती करेगी तो इसमें हर राजपूत जाति के ब्राह्मण का 36 जात में एक जात ने काट दे बाकी सब। अच्छा, तो उसमें उसमें अपने गांव पे भी एक जो है निर्दलीय खड़ा था, उसका क्या कुछ रहा? उसका किन्ने फंड को नहीं भाई, वो उड्डा खड़ा कर रखा था, वो लेके चल जाएगा तड़के। वो पाला भी खड़ा कर गांव ने ठीक से, वो जाके तेरा फरेटिया जाट बना दिया और एक ठाकर था वो रह दिया इन्हें।
वो भी जिला परिषद में हरा था इन्हें वो गांव वाले ने। सेकंड पोजीशन पर अगर आप भुवानी खेड़ा में बात करा तो सेकंड पोजीशन पर कौन है? सेकंड पोजीशन पर सा तो यो कौन यो जो गांव वाला है। अच्छा रतेरी हां सतबीर अपना गांव में भी सेकंड पोजीशन पर भाई हल्का में तो मान लो इनकी फाइट बैठ जाएगी तीनों की वोट बट गए ना उनके। बाकी सबसे पहला वोटिंग ज्यादा इससे की है कपूर कपूर बाल्मीकि की इस हल्का से जीत के लिखेगा और जीतावा। इन तीनों में से सबसे बेस्ट मतलब नेता कौन रहेगा? सबसे बेस्ट नेता तो अभी हम तो कपूर न मानेंगे बीजेपी का है आमीन ने किया जाना भाई राहुल के बरा कित जाके आग लगा दी देश में कित मरवा दे मुसलमान ना पाम ना के बरा कित सत्ता नाश कर दे देश का वो। तो उसमें आपका गांव का भी जो मास्टर सतवीर है अपना गांव का उसने भी अच्छी समाज सेवा की है लोगों की करी जी ना तेईस छोरे भीतर थे ना राजपूता के तो उसका उसमें क्या रोल था? सारा रोल था उसका भी दलवीर तमार यो राजा तीन मैन थे यो तड़का मेरा बुरा मान जी मैं भाषण भागी करूँ तो थोड़ी बहुत मन डर भी को लगता ना मन इस पर लेना आपा तो भाई पहला कुलदीप गिल्ली रहे 14 साल 13 साल हमने जीत भी को भूखा डीन मारी ना लिखड़ी और ना लिखाड़नी और आज भी उनका डॉक्टर से एक नूह है बढ़िया नेता मिल रहा है हमने ऊपर तो प्रधानमंत्री जी अपने और नीचे यो कपूर राजा और इसने भाई मंत्री बना दी सिंचाई मंत्री भुवानी खेड़ा है तो बहुत अच्छा होगा बहुत फायदा मिलेगा बीजेपी ने इस कागज के लिए। तो नमस्कार नमस्कार भाई भुवानी खेड़ा हल्का से अगर आप बात करा तो मतलब किसकी जो सबसे हैवी कौन रहा हाथ? भाई कपूर बाल मिक्स है और पक्का जीतेगा लठ वर्गा कोई हरानिया कौन। तो उसके बीच में नरवाल की क्या पोजीशन रहेगी? कोई पोजीशन नहीं है। और जो आपके गांव का था मास्टर सतवीर रतेरा उसकी वो सेकंड में होगा सेकंड में हाँ। तो भाई तमाम जो है वोटिंग के बाद जो है यहाँ पर आप साफ देख सको जिस प्रकार ग्रामीणों ने जो पोलिंग की अपने सच्चाई बताई है क्या कुछ हुआ है और कैसे क्या पोल। अच्छा पोलिंग के दौरान कोई मतलब आपत्ति किसी को कोई आपत्ति हुई हो या किसी ने नाराजगी किसी प्रकार की जाहिर करी? कोई आपत्ति नहीं ना, ना, ना। कोई और नहीं बढ़िया शांतिपूर्वक चुनाव हो चुका है एवं हम चुनाव मैदान में ही बैठे हैं और बहुत बढ़िया हमारा गांव बहुत अच्छा है कोई रोड़ा रब्दा नहीं न किसी की दुश्मनी न किसी की खसखसी चुनाव बहुत बढ़िया हुआ बढ़िया सूत्री डाल के अच्छी तरह से। तो भाई जिस प्रकार आपने देखा है काफी जो है हमारे आपसी पार्टियों के कारण मतभेद भी जो है थोड़े बहुत चले थे लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है अपना उसी प्रकार जो है प्यार प्रेम बनाए रखे और 8 तारीख को आने वाले 8 तारीख को बिल्कुल साफ हो जाएगा भाई हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बनेगी किस विधानसभा क्षेत्र से कौन नेता जीत का दावेदार होगा जिसके नसीब में होगा जनता का प्यार होगा वो नेता निकल के आएगा। तो भाई तमाम जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। जय हिंद जय भारत।